एनिमल फिल्म के सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म होने वाली है कंगवा, जिस फिल्म में वो उधिरन बनकर खलनायकी का परचम लहराने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ सूर्या नजर आएंगे और फिल्म में विलन के तौर पर बॉबी देओल कहर बरपाने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, कंगवा फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और इसी कड़ी में फिल्म की रिलीज डेट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि फिल्म के निर्माता त्योहारी सीजन में फिल्म के रिलीज करने का विचार कर रहे हैं और शायद हो सकता है कि इसी साल दिवाली के मौके पर यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो सकती है। कंगवा फिल्म की बात करें तो यह 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शुमार है, जिसका फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने निर्माण और स्टार कास्ट को लेकर यह फिल्म कई महीनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज करने के लिए निर्माता अब सोच विचार कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो यह फिल्म इसी साल दिवाली के खास मौके पर दस्तक दे सकती है। लेकिन बात करें अगर इस फिल्म की, तो ये फिल्म 2022 में फ्लॉप पर आई थी और 2022 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई थी। अब फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी तेजी से किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कंगवा के पोस्ट प्रोडक्शन का आखिरी भाग अभी बचा हुआ है। शुरुआत में निर्माताओं ने बताया था कि इस साल गर्मी के मौसम में फिल्म सिनेमाघरों में आ जाएगी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम टल जाने के कारण रिलीज डेट में देरी हो गई है। हालांकि फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा अभी भी बाकी है। निर्माताओं का कहना है कि फिल्म को दिवाली के आसपास रिलीज करने पर हम विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के VFX और 3D पर काम चल रहा है और ये फिल्म अगस्त महीने तक पूरा भी हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये फिल्म सिनेमाघरों में दिवाली के खास मौके पर रिलीज हो सकती है। वैसे बात करें अगर कंगवा फिल्म की, तो ये भले ही साउथ की फिल्म है और इसी फिल्म के साथ ही बॉबी देओल पहली बार साउथ की किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। ओवरऑल अगर कहें तो बॉबी देओल की ये साउथ डेब्यू फिल्म है और कुछ महीने पहले बॉबी देओल के जन्मदिन के खास मौके पर फिल्म का टीजर वीडियो भी रिलीज किया गया था, जिस टीजर वीडियो में उधिरन की झलक दिखाई गई थी, जिसे देखने के बाद अब फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है। वैसे देखा जाए तो फिल्म के पोस्टर कई सारे रिलीज हो चुके हैं और फिल्म के लीड हीरो सूर्या के लुक ने दर्शकों को काफी उत्साहित कर दिया है। वहीं इसके टीजर ने उनकी बेसब्री को और भी बढ़ा दिया था। अब प्रशंसक फिल्म के ट्रेलर का भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूर्या के प्रशंसकों को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं और लगभग इस फिल्म का बजट तकरीबन 600 करोड़ रुपए के आसपास है और इस फिल्म को दो भागों में बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि कंगवा फिल्म में उधिरन का किरदार देखने के लिए फैंस खूब एक्साइटेड हैं, क्योंकि एनिमल फिल्म में अबरार का किरदार इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आने वाले समय में इसी से मिलता जुलता और भी खौफनाक अब कंगवा फिल्म में उधिरन का किरदार होगा, जिसे देखने के लिए बॉबी देओल के चाहने वाले अभी से ही इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।